न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार, आपका बहुत बहुत आभार। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है, बिहार सरकार जल्दी नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्गा पूजा से पहले नीतीश कुमार की सरकार नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर ये है कि नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार जल्द ही राज्य कर्मी का दर्जा देकर बड़ा गिफ्ट देगी और इसकी घोषणा दशहरे से पहले की जा सकती है। हालांकि अभी तक इस बात पर पेच फंसा है कि बीपीएससी की परीक्षा लेने के बाद राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा या फिर बिना परीक्षा लिए ही उन्हें तोहफा दिया जाएगा। फिलहाल इस पर फैसला अभी बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी घोषणा अक्टूबर महीने में दशहरे से पहले हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के करीब 4 लाख से अधिक शिक्षकों को फायदा होगा। अगर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी के शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा। हालांकि पहले नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी भर्ती का विरोध किया था। अब खबर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाए। आपको बता दें कि कई महीने से बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा लेने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को नया सिस्टम तैयार करने का टास्क दिया था। बताया जा रहा है कि के पाठक ने टास्क को पूरा कर लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत भी करा दिया है। अब कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख बताई जा रही है। अगर औसतन 5 लोगों का एक परिवार माना जाए तो सभी नियोजित शिक्षक परिवारों के तकरीबन 20 से 25 लाख लोग होते हैं। हर शिक्षक परिवार में अगर औसतन 3 भी वोटर हैं, तो नीतीश के लगभग 10 से 12 लाख वोटों पर फिलहाल खतरा दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि राज्य सरकार अब नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।